अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर, आज की जो सी हमारी वीडियो है वो है हल्की भुल्की भूख में हल्का फुल्का टच, और मिडनाइट क्रेविंग है, लेट नाइट टाइम है, और मिडनाइट क्रेविंग के लिए मुझे कुछ आई वॉज सर्चिंग समथिंग टू ईट में फिर मुझे ये जो से है ये मिले आलू और ये नगेट्स, यही दो चीज़ें घर में मौजूद थी इस वक्त। और लेट नाइट क्रेविंग में आप तो बस कुछ भी मिल जाए और आपको होता है कि बस आप उसको खा लें, क्योंकि वो लेट नाइट आप कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते, कुछ बना भी नहीं सकते, मतलब इतना जिसका कोई प्रोलॉन्ग टाइम हो, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। तो यही आज मैंने फिर सोचा कि रात को अब भूख भी लगी है, तो दीज आर थिंग्स बेस्ट फॉर लेट नाइट क्रेविंग। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करी। यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने जो से हैं वो आलू लिए हैं, उनको वही जैसे हम फिंगर फ्राइज जिस शेप में होती, इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया। और ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, जिसकी मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी और इस बोल के अंदर इसकी मिक्सिंग करूँगी। और ये जो से हैं वो नगेट्स हैं, और ये जैसा कि आप लोगों को पता है मतलब रेडी टू कुक जो से होते हैं, जैसे आपने फ्राई करना होता है और ये मतलब तैयार है। तो यही दो चीज़ें जो मुझे बआसानी मिल गई और बहुत ईजी थी मेरे लिए, मतलब झटपट बनाना, ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगेगा इसमें और ये बन भी जाएंगी। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं कि हम लोग लेट नाइट क्रेविंग में क्या मैंने सोल्यूशन निकाला है, क्या चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करते हुए जो अपनी भूख को शांत करना है। तो अब हम इसको फ्राई करते, घी मैंने वहाँ पे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है, आलू मैंने काट लिए हैं और ये नगेट्स भी रख लिए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मिक्स करके फ्राई करूँगी और फिर आपको मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसको हाथों के साथ ही मिक्स किया क्योंकि हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ये। और ये देखिए, अब मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली है इसकी। अब कोटिंग करने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी से जो सी हमारी हैं वो फ्राइज़ रेडी हो जाएंगी। तो ईजीली आप इसको बना सकते हैं। बस फ्राइज़ मैंने यहाँ पर घी में डाल दिए फ्राई होने के, और उसके बाद जो उनसे नगेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है वो तो सिर्फ दो मिनट ही लगते हैं इसको फ्राई करना होता है, वो तो बने हुए होते हैं, तो आलू थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इनको पहले फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं नगेट्स को फ्राई करती हूँ और जो सी मेरी मिडनाइट क्रेविंग का सोल्यूशन है वो बिल्कुल तैयार हो गया। सब मैंने यहाँ पर नगेट्स फ्राई होने के लिए डाल दी हैं, फ्राइज़ बिल्कुल बन चुकी हैं और नगेट्स फ्राई करके मैं इनको रिस्टोर करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों चीज़ें बना ली हैं। यहाँ पर नगेट्स पड़े हैं और फ्राइज़ हैं और यहाँ पर कोक है, तो मेरे मिडनाइट क्रेविंग का बिल्कुल जो सा सोल्यूशन है वो निकल गया है। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी जो सी ये फ्राइज़ है बनी है। तो मैं आपके सामने इसको टेस्ट भी कर देती हूँ, आप ये देख सकते हैं जो सी ये कोटिंग है, ये भी आपको नज़र आ रही है क्रिस्पी सी कोटिंग है, और ये थोड़ा सा ब्लर्क है, फोकस नहीं हो पा रहा, मतलब ये कोटिंग ऊपर है ये आप मतलब देख सकते हैं, इसकी आवाज़ भी आ रही है ये, और वहाँ पे नगेट्स भी रखे हुए हैं। तो ये देखें, इवन आपको मेरे मुंह से जो आवाज़ें आ रही होंगी तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी है। देखें तो कितनी क्रिस्पी है, ये ब्लर की है, इसको पता नहीं क्या मसला हो गया पता नहीं, ये जान के दिखाना नहीं चाहता कि मैंने कितनी अच्छी कुकिंग की है। हो जा भाई सही, ओ भाई हो जा जलजला भी आ गया, ये ब्लर की नहीं ठीक हो रहा, लगता इसका सोने का टाइम था, इसलिए मैंने बेचारे को डिस्टर्ब कर लिया ना, इस वजह से ऐसा हो गया। बट एनीवे, बहुत मज़ेदार से अच्छी सी ये क्रिस्पी सी जो फ्राइज़ है तैयार हुई हैं। और ये नगेट्स है, ये मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बनाए हैं, ये मैंने नहीं बनाए, जस्ट मैंने फ्राई किए हैं, फ्राई किए हैं मैंने। तो बहुत मज़ेदार से ये जो सी गर्मा गर्म चीज़ें तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी सी जो हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़। हाँ, वो मतलब हम लोग जो से नगेट्स होते हैं, हम जिस तरह के बाकी चीज़ें कबाब वगैरह हम लोगों ने वो फ्रोज़न होती है हमारे पास चीज़ें, हम लोगों ने उनको रखा होता है और जब कभी दिल करे तो निकाल के हम फ्राई कर लेते हैं और खा लेते हैं। ऑर्डर जब मतलब अब जैसे कि रात का टाइम में ऑर्डर नहीं कर सकते, तो फिर यही आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप बाहर की चीज़ें खाने को दिल भी कर रहा होता है और आपके पास इस शेप में वो इस तरह फ्रोज़न शेप में आप उनको रख सकते हैं स्टोर करके। तो अपने व्यूअर्स से इजाज़त ले लिए हम लोग, तो अब व्यूअर्स आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं मज़ेदार से ये नगेट्स और फ्राइज़ के साथ, आप लोग देख के इंजॉय करें और हमें अपनी फीडबैक दें। किसी भाई बहन बनना है, अगर किसी ने खाना है तो आ जाएं, ये इसके अंदर डिप नहीं करना, सॉरी अगर आपको लगा हो कि मतलब ये मेरा बिस्कुट है और मैं बिस्कुट चाय वाला बिस्कुट, ये ना ही चाय है ये ना ही मेरा बिस्कुट है, और लेकिन हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं ओके ओके ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, ये कोक है और ये नगेट्स है और यहाँ पर हम सच में पार्टी कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ गलत समझना। चलो ठीक है, मोमो जल्द ले लें अपने व्यूअर्स हम लोग। हाँ जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।